नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज ही वन प्लस 7 और 7 प्रो के लिए एक नया स्टेबल अपडेट रोल आउट हुआ है जो कि है 10.3.0। वैसे तो उनके लिए आज एक ओपन बीटा का भी अपडेट रोल आउट हुआ है जो कि ओपन बीटा 7 और जिसमें क्रोमेटिक इफेक्ट उन्होंने ऐड किया रीडिंग मोड में। तो मैं एक्चुअली उसकी वीडियो अभी कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आज ही के ही दिन स्टेबल अपडेट भी आया है और मुझे लगता है कि स्टेबल अपडेट की वीडियो करना ज़रूरी है या फिर मोर इम्पॉर्टेंट है। और वैसे ये 10.3.0 की चेंज लॉग सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 70। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके फिर वन प्लस 70 और वन प्लस 7 या 7 प्रो के जो भी अपडेट्स आएंगे वो कंबाइन होकर आएंगे, क्योंकि आज के तारीख में वन प्लस 70 भी 10.3.0 पे ही है और विद सिमिलर चेंज लॉग, और अभी 7 प्रो भी सेम चेंज लॉग पे आएगा। और वैसे भी जो भी लोग ओपन बीटा 6 पे रहेंगे वन प्लस 7 या 7 प्रो के, अगर उनको स्टेबल में रोल बैक करना है तो वो भी इस पर्टिकुलर चेंज की पूरी फाइल डाउनलोड करके फिर रोल बैक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरा वन प्लस 7 प्रो का फ़ोन, और हम लोग पहले सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे, और ये है मेरा करंट वर्जन 10.0.3, और जो अभी लेटेस्ट वर्जन रोल आउट हुआ है वो है 10.3.0। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो अभी तक ये अपडेट हमको नहीं दिखता है। लेट्स देख सकते हो आप, योर सिस्टम इज़ अप टू डेट। तो ये अपडेट एक्चुअली बैचेस में रोल आउट हुआ है और कल ही हुआ है, तो इसको सभी फ़ोन्स में डिलीवर होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको अपडेट करना है तो आप ऑक्सीजन ओएस अपडेटर से कर सकते हो। वो मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है ऑक्सीजन ओएस अपडेटर में और आपके फ़ोन को सिलेक्ट करना है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप वन प्लस 7 प्रो को सिलेक्ट करना। मैं ऑलरेडी स्टेबल अपडेट पे हूँ तो मैं स्टेबल अपडेट का इंक्रीमेंटल अपडेट चूज़ करता हूँ। बैक करेंगे और फिर आप देख सकते हो ये 10.3.0 का अपडेट है जो कि अपडेट साइज़ है 297 MB। और एक बार हम चेक करते हैं कि फुल अपडेट फाइल आई है कि नहीं आई है। तो अगर जिनको भी ओपन बीटा 6 से रोल आउट स्टेबल में आना है वो लोग फुल फाइल से आ सकते हो, लेकिन अभी तक फुल फाइल अपलोड नहीं हुई है। तो ये जब भी पूरी फाइल अपलोड होगी उसके बाद ही आप स्टेबल वर्जन में आ सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इंक्रीमेंटल अपडेट से ये अपडेट कर लेते हैं। और आप चेंज लॉग देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि इम्प्रूव द लॉन्चिंग स्पीड ऑफ सम एप्लीकेशंस, ये अगेन ऑप्टिमाइज़ द रैम मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज़ द ब्लैक एंड वाइट इशू विद सम एप्लीकेशंस, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू नवंबर, और कैमरा में इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। तो ये डेफिनेटली सिमिलर चेंज लॉग है जो आपको वन प्लस 70 में मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप वन प्लस 70 का भी चेंज लॉग देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड के लिए लगा देता हूँ और आपको वन प्लस 70 का भी चेंज लॉग दिखा देता हूँ। तो आगे जाके वन प्लस 70 और वन प्लस 7 के जो भी अपडेट्स आएंगे वो कंबाइन होके ही आएंगे ऐसा मुझे लगता है। आप देख सकते हो ये वन प्लस 70 का चेंज लॉग है, और जो चेंज लॉग है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जो आपको वन प्लस 7 प्रो में मिला है। तो मैं जल्दी से इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। फाइल पूरी डाउनलोड हो गई है, सो हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर में। इंटरनल स्टोरेज में ये फाइल डाउनलोड हुई होगी, और आप देख सकते हो ये आज के तारीख की मतलब 19 दिसंबर की 312 MB की ये फाइल है। तो आपको जाना है पहले सेटिंग्स में, देन हम लोग जाएंगे सिस्टम, सिस्टम अपडेट्स, गियर आइकॉन, लोकल अपग्रेड, और ये जो आज की फ़ाइल है उसको हम लोग टैप करेंगे, और ये ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि इससे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, फिर भी आप डेटा का बैकअप ले लो। लेकिन ये स्टेबल वर्जन से ही हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं इसलिए डेटा बैकअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ फैक्ट्री रिसेट नहीं करता। तो मैंने इंस्टॉल नाउ कर दिया है, और ये टिपिकल इंस्टॉलेशन के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं। सो हम लोग 10 मिनट्स होने के बाद वापस आते हैं। तो सिस्टम अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फ़ोन में जाएंगे, और आप देख सकते हो ये जो बिल्ड नंबर है वो है 10.3.0 जो कि अभी लेटेस्ट स्टेबल बिल्ड है। एंड्रॉयड वर्जन में अगर हम लोग सिक्योरिटी पैच को देखते हैं तो सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो नवंबर 1, 2019 का है, तो अभी तक दिसंबर का सिक्योरिटी पैच नहीं आया हुआ है। और इसके अलावा जो चेंज लॉग में उन्होंने मेंशन किया था कि ऑप्टिमाइज स्पीड ऑफ सम एप्लीकेशंस और ऑप्टिमाइज रैम मैनेजमेंट, तो ये दो चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो कि डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। इसके बाद का जो मेन चेंज था वो है इम्प्रूव कैमरा क्वालिटी। तो कैमरा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मुझे नज़र आया वन प्लस 70 में। मैंने कल ही मेरे चैनल पे पोस्ट किया है वन प्लस 7 प्रो वर्सेस वन प्लस 70 का कैमरा कंपैरिजन का वीडियो,
और उसमें मुझे फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नज़र आया था वन प्लस 7T के अपडेट के बाद। इसका अलग से कैमरा कंपैरिजन का वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे वन प्लस 7T में नोटिसेबल चेंज मिला कैमरा में। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सेम चेंज वन प्लस 7 एंड 7 प्रो में भी मिलेगा। तो आप मुझे अपडेट करके ज़रूर बताना कि आपको कैमरा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। और सबसे एंडिंग में जो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि अगर एक बार आपका कोई भी अपडेट हो जाता है तो कैश को क्लियर ज़रूर करना, इससे जो भी आपके बग्स रहेंगे आफ्टर द अपडेट वो रिजॉल्व मोस्टली रिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि बैटरी ड्रेनिंग बग या और कोई इश्यूज़ रहेगा। इसके लिए आपको एडवांस रिबूट एनेबल करना है डेवलपर ऑप्शन से, और एडवांस रिबूट एनेबल करने के बाद रिकवरी मोड में जाना है। रिकवरी मोड में जाने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो और इंग्लिश चूज़ करना, वाइप डेटा एंड कैश, वाइप कैश, यस, ये कैश को वाइप करेगा और फिर रिबूट कर देंगे। तो बस यही एक छोटा सा एक चेंज आपको करना है, हर एक अपडेट के बाद आपको कैश को क्लियर करना है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कोई भी इश्यूज़ आता है या फिर आपको कैमरा क्वालिटी कैसे लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।